हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बच्चों इस रिवीजन टेस्ट जो कि अभी 11वीं क्लास के चल रहे हैं नवंबर में, कक्षा 11वीं का रसायन का पेपर हम यहाँ पर हल करने वाले हैं विकल्प को। तो आप सभी ध्यान से इन प्रश्नों को देखें और इनके आंसरों को अटेम्प्ट करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। हमारा पहला प्रश्न है पेपर का, और इसमें हम बच्चों सबसे पहला प्रश्न है जो है सही विकल्प का चयन हमें करना है। तो इसमें सही विकल्प का चयन करने में सबसे पहला प्रश्न बच्चों यहां पर दिया हुआ है कि जल का मोलर द्रव्यमान है। बच्चों जल का सूत्र आपको पता होगा कि H2O होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का भार हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो टोटल आपका हो जाता है 18। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे विकल्प की बात करें तो इनमें से कौन सा ऊर्जा स्तर या कोष नाभिक से दूर होगा। तो बच्चों जिसका परमाणु आकार बड़ा होता है उसका कोष भी जो है दूर होता है नाभिक से। तो आप यहीं पर अगर ऑप्शन नंबर 1 देखें तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर मिसप्रिंट है। अब ये M अकेला कोई तत्व नहीं है, या तो ये MN होगा तो सबसे बड़ा कोष इसका ही हो जाएगा, ठीक। और अगर ये MG होगा तो इसका कोष जो है पोटेशियम से छोटा होगा। मतलब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर अभी ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर पोटेशियम जो है आपका D ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम सबसे बड़ा परमाणु है। इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसमें कोषों की संख्या भी ज़्यादा होगी, ठीक। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और मैग्नीशियम अगर होगा तो इसमें कोषों की संख्या बच्चों 2 होगी, तो इसलिए इसका आकार छोटा होगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आप पोटेशियम लगा सकते हैं। तीसरा 7 नंबर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इनमें से किसका आयनन विभव, आयनन विभव का मतलब होता है आयनन ऊर्जा, न्यूनतम होगा, या आयनन विभव न्यूनतम होगा। तो किसका आयनन विभव न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम विभव उसका होता है बच्चों जो परमाणु आकार में बड़ा होता है। मतलब जिसका आकार बड़ा होगा उसका आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कम होती है। तो आकार में बच्चों अगर हम क्षार धातुओं में चलें तो सबसे ऊपर हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और लास्ट में रूबीडियम आता है। तो हमारे यहाँ पर आयनन विभव का मान जो है रूबीडियम का सबसे न्यूनतम होगा, तो आर भी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद बच्चों 10 नंबर में जो ऑप्शन दिया है विकल्प N2 यानी नाइट्रोजन की आबंध कोटि। आबंध कोटि का मतलब बच्चों यहाँ पर जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के परमाणु होता है दोनों आपस में कितने बंधों से जुड़े होते हैं, तो दोनों 3 बंधों से जुड़े होते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन यानी फर्स्ट वाला 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम आते हैं हमारे 5वें ई नंबर का जो विकल्प है, लिथियम द्वितीय समूह के किस धातु से समानता रखता है। तो लिथियम बच्चों विकर्ण संबंध दर्शाता है, और द्वितीय आवर्त कहते तो तृतीय आवर्त के अगले समूह के दूसरे तत्व से समानता दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो बेरिलियम हमारा जो है विकर्ण संबंध दर्शाता है लिथियम से, तो लिथियम और बेरिलियम जो है एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरिलियम, ठीक है। इसके बाद हमारा विकल्प यानी प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति में बच्चों यहाँ पर आ नंबर में दिया है लीटर, एल मतलब है लीटर, यहाँ पर एक लग जाएगा आगे के, एक लीटर बराबर कितने डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर एक लीटर बराबर हो जाएगा एक डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर एक कर लेना है। और 12 नंबर का जो ऑप्शन है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसमें जिसको हम स्मॉल एल से दर्शाते हैं कि प्रत्येक मान के लिए एम का मान होगा कितना होगा, तो वो आपको आंसर में लिख देना है 2L+1। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगर तीसरा ऑप्शन 7 नंबर का देखें तो BF3 की आणविक ज्यामिति, मतलब इसका जो आकार है ज्यामिति है वो कैसी होती है। तो आप देख रहे हैं कि उसमें 3 फ्लोरीन के परमाणु हैं, और तीनों फ्लोरीन के परमाणु इस प्रकार से कोनों पर जुड़ जाते हैं, और सेंटर में इनका बोरॉन परमाणु रहता है। इस प्रकार से इसकी जो आकृति होती है वो होती है त्रिकोणीय। तो इसका आंसर में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, त्रिकोणीय इस प्रकार से लिख देना है, जो कि इसका सही आंसर है, त्रिकोणीय इसका सही आंसर है।
इसके बाद हमारा आता है द नंबर का विकल्प, जिसका नाम है वह प्रश्न है भारी जल का सूत्र है। भारी जल का सूत्र होता है D2O। जिस प्रकार जल का सूत्र H2O होता है, इसी प्रकार भारी जल का सूत्र D2O होता है, क्योंकि इसमें भारी समस्थानिक यानी D2 का उपयोग किया गया है। और इसके बाद हमारा लास्ट विकल्प इसका ई नंबर का आता है कि NaH किस प्रकार का हाइड्राइड है। तो ये बच्चों एक आयनिक प्रकार का हाइड्राइड है, आयनिक प्रकार का हाइड्राइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयनिक प्रकार का हाइड्राइड। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से उत्तर इनके करके आना है। और इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा जो कि सही जोड़ी है, इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो ताप है, ताप की यहाँ पर इकाई दी हुई है, तो ताप को आपको मिलाना है सा नंबर से जो कि केल्विन है, तो ताप की इकाई होती है केल्विन। ठीक है, इस प्रकार से आपको केल्विन से इसको मिलाना है। और इसके बाद उत्कृष्ट गैस हैं, तो उत्कृष्ट गैसों को जो शून्य समूह के नाम से जाना जाता है, इसे वर्ग यानी शून्य समूह के तत्वों में इसको रखा गया है। और जो शून्य समूह है हमारा बच्चों वो रखा गया 18वें समूह में, वर्ग जिसको हम शून्य समूह के नाम से जानते हैं, तो वो आएगा आपका ई नंबर पे। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा जो है एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक को बच्चों दो वर्गों में बांटा गया है, वर्ग एक और वर्ग दो, यानी प्रथम समूह और द्वितीय समूह, तो इसका आंसर हो जाएगा दो, द नंबर का वर्ग एक व दो। इसके बाद हमारा चौथा जो विकल्प है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बच्चों वर्ग एक में रखा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बा, यानी वर्ग एक। और इसके बाद हमारा जल दिया है, जल एक उभयधर्मी यौगिक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा उभयधर्मी। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके आंसर हो जाते हैं पूरे, और इनको आपको सही लिख के आना है, उनके सही आंसर जो उनके सामने लिख के आपको आना है। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक चार जो कि विकल्प का ही है, और इसमें आपका दिया हुआ है पहला प्रश्न, पहली बोर त्रिज्या या पहली बोर त्रिज्या कक्षा का मान होता है या मान क्या है। तो इसका आंसर है बच्चों 0.529 mA। ये इसका सही आंसर है, इस प्रकार से आपको ये लिख के आना है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की मतलब परिभाषा यहाँ पर हमें लिखना है, और कितने वर्ग होते हैं ये भी बताना है आवर्त सारणी में। तो बच्चों आवर्त सारणी में जो खड़े खाने होते हैं या ये कहें कि ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, और उनकी संख्या 18 है। तो परिभाषा आपको इस प्रकार से लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर बने खानों को वर्ग कहते हैं और इनकी संख्या 18 है। तो इस प्रकार से इतना आंसर आपको लिख के आना है। और इसके बाद हमारा सा नंबर का जो विकल्प है, CH4 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, तो CH4 में sp3 संकरण पाया जाता है, ये आपको आंसर में लिख देना है sp3 संकरण। इसके बाद हमारा नेक्स्ट विकल्प कि बर्फ़ की संरचना किस प्रकार की होती है, ये हमें इसमें बताना है। तो बर्फ़ में जो जल के चार अणु जुड़कर चतुष्फल की संरचना बनाते हैं, तो इस प्रकार से जो बर्फ़ की संरचना है वो चतुष्फल की होती है, इसलिए बर्फ जो है जल के ऊपर तैरती है, तो इसकी आकृति होती है चतुष्फल की। अब आया है नेक्स्ट प्रश्न कि वर्ग एक के तत्वों को क्षार धातु क्यों कहते हैं। तो क्षार धातु इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल में घुलने के बाद क्षारीय विलयन बनाते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि इनके ऑक्साइड जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाते हैं, इसलिए वर्ग एक के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं, ये आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद बच्चों ये थे आपके पूरे विकल्प, क्वेश्चन आंसरों को आप कमेंट करके बताएं। यदि आपको क्वेश्चनों के आंसर भी चाहिए हों तो आप हमें लिखकर कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें और सभी पेपरों के आपको आंसर मिलते रहें। तो बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज पर। धन्यवाद।